कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन मंगलवार, तो आप सबको मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जस्ट आई हूँ अभी नहा धो के, घर के सारे साफ सफाई के सारे काम हो गए हैं। आज शुरू से नहीं दिखाया साफ सफाई, आप लोग कहते हैं दी झाड़ू पोछा ही से शुरू कर देती है। मैंने कहा आज झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, नहा धो के आऊँगी साफ सुथरी होके तब बात करूँगी। और अभी जा रही थी मैं किचन में, पहले किचन में नहीं गई हूँ नहा धो के, पहले मैंने कहा नहीं आप लोगों से बात करूँगी, आप लोगों के हाल चाल लूँगी तब किचन में जाऊँगी। और अभी पीसना है मुझे थोड़ा सा बेसन, क्योंकि बेसन ख़त्म हो गया है। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में शेयर किया था कि मैं बेसन घर पे कैसे बनाती हूँ, थोड़ा सा चावल मिला के कैसे पीसती हूँ। तो जब ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके पीस लेती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा ही पीसूँगी, क्योंकि कढ़ी बनाना है, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तब पीस लूँगी। कभी कभी मार्केट से भी ले आती हूँ, सब तरीके से काम चला लेती हूँ अपना। तो चलिए चलते हैं किचन में अब। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और गाजर को छील के काट के मैं नहाने से पहले ही रख गई थी, जब मैंने किचन का सारा कूड़ा कचड़ा निकाला था तभी। और अब मैं जा रही हूँ बेसन पीसने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये चने की दाल साफ़ कर ली है, और मिक्सी के सबसे छोटे वाले जार में लिया है, और थोड़े से इसमें चावल मिलाए हैं मैंने, और बस इनको पीस लूँगी। और इस वाले जार में ना बेसन बहुत अच्छे से पीसते बनता है, क्योंकि इसमें जितने स्पेस की ज़रूरत होती है उतना ही होता है, और आराम से थोड़ा थोड़ा बेसन पीस जाता है। तो उसी में से मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, एक कटोरी दही ले लिया है, और ये मेरा जो उस दिन मंगाया था मैंने हैंड ब्लेंडर, उससे मैं इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, ये देखिए। और ये मुझे बहुत सस्ता मिल गया था, 70 रुपये का ही आया था। तो मैं रई से भी कर लेती हूँ, इससे भी कर लेती हूँ। तो बस ये मिक्स हो गया है दोनों, बेसन और दही। और यहाँ पे मैं छौंक लेती हूँ कढ़ी को छौंका है मैंने हींग जीरा मेथी से, जैसे कि मैं बाकी सारी कढ़ियाँ छौंकती हूँ, चाहे वो बैगन की हो चाहे वो पकौड़ी की हो, सारी कढ़ी मैं सेम ही तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें हल्दी, और उसके बाद दही और बेसन का जो घोल है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी, और खूब ज़्यादा सा पानी डाल दूँगी, मतलब जितना भी बेसन और मट्ठे का घोल है उतना ही पानी और डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ी अभी पकेगी तो फिर गाढ़ी होगी तो फिर कम रह जाएगी, इसलिए और पानी पड़ेगा इसमें। और जल्दी जल्दी में मैं गाजर पहले पकाना भूल गई, जैसे मैं सारी कढ़ियाँ बनाती हूँ ना वैसे ही याद रहा मुझे, तो मैंने गाजर बाद में डाली है, वरना गाजर पहले पका लेते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी पक जाएगी, क्योंकि कढ़ी को पकने को बहुत टाइम लगता है, तो वैसे भी पक जाएगी। और जैसी कढ़ी खोलने लगी है तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं सारे मसाले, जो मसाले आप कढ़ी में डालते हो वो मसाले मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद अब इसको पकने को छोड़ दिया है मैंने। और कढ़ी बनाना मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है, और सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे कढ़ी खाने में, चाहे वो कढ़ी हो चाहे मट्ठे का आलू हो, आप सबको पता है इस बात का। और साथ में ही मैंने अपने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, जो कि मैंने अभी कढ़ी बनाने में गंदे किए हैं, क्योंकि मैं साथ ही साथ खाना बनाने के बर्तन तो मैं साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ, बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ, और जो खाना खाने के बर्तन होते हैं वो ही रह जाते हैं बाद में। और यहाँ लगा दिया है मैंने इसमें तड़का, राई का, जीरा, हींग और खड़ी लाल मिर्च, और क्या डाला था मैंने, लहसुन और अदरक थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ, और बस यहाँ डाल दिए धनिया की पत्ती। कढ़ी तैयार हो गई है, चावल रख दिए थे मैंने, चावल तैयार हो गए हैं, थोड़ी सी रोटी सेक ली है मैंने, और ये आ गए हैं लंच में खाना खाने के लिए, तो इनको खाना भी दे दिया है, हम थोड़ा देर से खा लेंगे। और इसके बाद मैं ये कौवे की जो रोटी निकालती हूँ छोटी वाली, यहाँ पे मैं गाय की रोटी नहीं निकालती हूँ, ये देखिए टीवी देख के अब तो खाना खपता है भाई, ये छोटी रोटी गाय की जैसी निकालते हैं वैसी मैं यहाँ पे कौवे की निकाल देती हूँ, यहाँ पे बालकनी में रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाय नहीं मिलती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, कभी मैंने यहाँ गाय देखी नहीं कि उन्हें प्रसाद खिला दो या रोटी खिला दो, इसलिए मैं कौवे को रख देती हूँ। निकाली जाती है रोटी तो निकालती हूँ, लेकिन कौवे को रख देती हूँ। और खाना वाना हो गया है, उसके बाद मैंने किचन बर्तन कर लिए हैं, और शाम को मार्केट भी जाना है मुझे, क्योंकि घर का काफ़ी सामान है जो ख़त्म हो गया है। यहाँ मेरे कपड़े धुल गए हैं, मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं, मतलब यार जो घर पे रहता है ना उसे सब पता चलता है, जब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है ना, जब तक आपका बचपन होता है ना तो किसी आटे दाल का पता नहीं होता है, जब जिम्मेदारी आती है सारे काम निपट गए हैं। अब मुझे क्या करना है, थोड़ी सी गुजिया भरनी है, मावा रखा है तो मैं सोच रही हूँ वो भी बना के निपटा दूँ, क्योंकि तब मैंने जो वो वाली रस भरी गुजिया बनाई थी वो थोड़ी सी बनाई थी, और मुझे सिंपल भी बनानी है, त्यौहार तो हो गया लेकिन हाँ थोड़ा मावा रखा है मैदा रखा है तो बना के खा लें, सारे त्यौहार ही है तो वो बनानी है। और इस वाले कमरे की अलमीरा लगानी है मुझे, क्योंकि इसमें मेरे सारे साड़ी कपड़े ये सब रखे हैं, इस कमरे की जो लोहे वाली अलमीरा है उसमें, और लहंगे वहंगे भी उसी में रखे हैं।
तो यहाँ पे गुजिया के लिए मैंने मैदा निकाल लिया है और इसमें मोवन डाल दिया है। मैंने लगभग 1/4 कटोरी घी गरम करके डाला है और बस मोवन को अच्छे से मैदे में मिला दूंगी ताकि एक भी इसमें रोरियाँ ना रह जाएं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी करके सेम वैसे ही लगा लूँगी मैदे का आटा जैसे मैंने वो वाली गुजियों का लगाया था। लेकिन ये भगोना भर पानी देख के डरना मत, इतना पानी नहीं डालना है, वो तो मैंने रख लिया था। मैंने तो कटोरी में लेके थोड़ा थोड़ा सा करके डाला था। और जब ये 15 से 20 मिनट में सेट हो गया है तो बस मैं इसकी बेल ले रही हूँ पूड़ियाँ गुजिया भरने के लिए। और गुजिया का जो खोया है मावा तैयार किया है वो सेम वैसे ही है जो कि मैंने चंद्रकला गुजिया में जो डाला था, सेम वैसे ही सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। बस यहाँ पे फटाफट से भर के मैं और नंदनी तैयार कर लेते हैं सारी और फिर सेक लूँगी मैं आराम से। तो ये सारी गुजियाँ कंप्लीट हो गई हैं, इनको मैं फटाफट से सेक लेती हूँ। और घी गर्म हो चुका है और इनको ना धीमी आँच में सेकना है ताकि ये जलने ना पाए और कच्ची भी ना रह जाए। तो बस मैं इनको धीरे धीरे से ब्राउन होने तक सेक ले रही हूँ। और ये देख सकते हैं मेरी एक भी गुजिया टूटी नहीं है, फटी नहीं है, सारी की सारी सजी बनी है और बहुत अच्छी तरीके से सिक गई है, बहुत ही यमी गुजिया हैं। तो होली तो निकल गई लेकिन होली के बाद भी गुजिया, ऐसा कुछ नहीं है कि त्यौहार पर ये चीज़ बनाना है तभी खाना है, आपका जब मन करे आप बनाओ, जब मन करे तब खाओ, हर दिन त्यौहार है, हर दिन सब कुछ है। और उसके बाद ये बनाई है हमने चाय। तो यहाँ पे जो मैंने उस दिन नमकीन बनाई थी, मिक्सचर बनाया था सब कुछ मिला के मेवा और लाई वगैरह, तो वो नमकीन है, चाय है, आप लोग भी पी लीजिए। और यहाँ पे साथ में टीवी भी दिख रही थी और अयान धीरे से वहाँ से खिसक गए, निकल गए, पहुँचे किचन में और वहाँ पे खोल दिया कैंपर पीने वाले पानी का। तो यहाँ सारा पानी बह गया है, कैंपर रखने की ऊपर जगह नहीं है, किचन की स्लैब भी छोटी है, वहाँ भी नहीं रख सकते हो। मुझे लग रहा है ना कि टीवी से ज़्यादा मुझे जरूरी है कि मैं आरओ लगवा लेती किचन में, क्योंकि आरओ बहुत ज़रूरी है, पानी रखने की कहीं जगह नहीं है और दिन पे दिन इनकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। सच में घर की जो चीज़ों की इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, एक पूरी हुई ना तो दूसरी आ जाती है सामने, इस तरीके से चलता है। समय बाहर कुछ सब्जियाँ लाना है, राशन का कुछ सामान लाना है, थोड़ा थोड़ा बहुत सारा सामान है जो मुझे लेके आना है ज़रूरी। तो बस निकल रहे हैं, इनको कपड़े वपड़े पहना के तैयार कर दिए हैं, झोला टांगने में लगे हुए। चलो निकलो, आओ लाइट बंद, आओ एक लाइट बंद जली रहने दो, आ जाओ बाहर की लाइट जला दें, लौट के आएंगे दिखेगा नहीं बाहर की लाइट जला दें। चलो चलो मम्मा निकाल लेगी झोला, तुम नहीं निकाल पाते हो, हमारे यहाँ झोला तक पहुँच नहीं पाते हैं, मम्मा ने ले लिया। चलो अरे हम लगा देंगे ताला चाबी सब, तुम रहने दो, मौसा मिल जाएंगे तो चाबी दे देंगे। बहुत शैतान हो गया ये लड़का, आगे निकल गया गेट से आगे, कि ऐसा ना हो कि मुझे यहीं छोड़ जाएं, ये लोग चली जाए, जूते उते पहनाए यानी कि मुझे भी साथ लेके जाएंगी। तो ये सबसे पहले आगे निकल आया और जैसे ही गेट खोला तो ये भी ऑफिस से आ चुके थे, ये भी साथ में निकल लिए। इनको ये भी पता है कि जब ये यहाँ मार्केट आती हैं तो सबसे पहले बास्केट उठाती हैं, इसमें सामान लेती हैं, तो ये सबको साइड करते हुए मैं बोल रही हूँ सब लोग वहीं साइड हो जाओ, ये सामान लेने आ रहे हैं, जितने बड़े हैं उतनी बड़ी बास्केट है इनकी, अब जाके ये सारा सामान लेंगे। तो यहाँ पे मुझे तो लेना था थोड़ा सा सामान लेकिन ये मिल गए मुझे, तो फिर मैंने कहा चलो ज़्यादा सामान ले लेती हूँ, अपने पॉकेट से लेती तो फिर बस 1000 रुपये का बजट बना के आई थी। और इन्होंने बताया जो यहाँ पे ओनर हैं कि हमारी एक ऊपर शॉप है, उसमें बहुत सारे घर गृहस्थी के अच्छे अच्छे आइटम्स का कलेक्शन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो इनको कौन सी पसंद आती है, यहाँ पर हम लोग ऊपर आए हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत के काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स मुझे दिख रहे थे और ये वाले पैरदान मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि जो मेरे घर पे पैरदान है उसमें नीचे प्लास्टिक है जो कि चिकनी फर्श में बहुत फिसलते हैं, तो मुझे लग रहा है ये पानी भी सोखेंगे और अच्छे भी हैं, तो मैंने इसमें से कुछ देख लिए। और ये है वो सीट जो आप लोग पूछते हैं मुझसे, तो इसको कुशन शीट के नाम से आप ले सकते हैं।
तो यहाँ पे जो डोरमेट मुझे पसंद आए मैंने वो ले लिए, मुझे ठीक लग रहे थे, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे और घर की ज़रूरत की ये बाल्टी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, छोटी सी दूध निकालने वाली जो होती है ना गाय भैंस को दूध निकालने वाली, वैसी ही लग रही थी। तो मैं कुछ सामान वहाँ से ले कर आई हूँ जो कि डिलीवर्ड हो के आएगा राशन के सामान के साथ में, तो मैं आपको घर पर चल के दिखाऊँगी क्या क्या ले कर आई हूँ। और यहाँ पर मैंने ले ली हैं सब्ज़ियाँ, अयान और अयान के पापा चले गए हैं घर, मैंने इन लोगों से कहा आप लोग जाओ हम ले कर आ जाएँगे सब्ज़ियाँ, क्योंकि सब्जियां मैं ही छाट के ले जाती हूँ। और जब इनके यहाँ पे टोकरी में अच्छी सब्जी नहीं होती है तो ये कहीं वहाँ पेटी में रखे रहते हैं, उसमें से मैं थोड़ा अच्छी अच्छी सब्जियां छाट लेती हूँ, लेकिन लेके जाती हूँ एकदम फ्रेश सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने सब्जी ले ली है, ये रहा सारा सामान। आप लोग कहते हैं प्लास्टिक बैग में मत लाया करो, लेकिन ये मैं नहीं लेके आई हूँ, ये जो शॉप में डिलीवर्ड किया है उन्होंने सामान, उन्होंने ही दिया है प्लास्टिक बैग में, जिनको मैंने घर आके निकाल लिया है। और क्या क्या सामान मैंने वहाँ ऊपर के शोरूम से ख़रीदा था, क्या क्या नीचे के शोरूम से ख़रीदा था, वो सब मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ निकाल ली हैं सारी, ये बहुत चिल्ला रहे थे इनकी जेब ढीली करवा दी मैंने वहाँ जाके, कह रहे खुद लेने आती तो इतना नहीं लेती। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में ब्लॉग में। और आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको मिलते रहे। तब तक ले बाय बाय, लव यू ऑल।